नाम मिठालाल प्रजापत है। मेरे को दिनांक 25 मई को रात को 8 बजे 3-4 पुलिस वाले आए और वो बिठा के ले गए गाड़ी में। मैंने उनका कहा चालान काट दो मेरा, अगर मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ काम करते करते हुए, तो उन्होंने कहा चालान तो नहीं काटेंगे, आपको क्वारंटाइन करेंगे। तो क्वारंटाइन सेंटर ले गए और मेरे को क्वारंटाइन कर दिया। और सुबह में गुरुदयाल नाम का कोई पुलिस वाला आया, उसने सबसे हैवी कसरत करवाई सभी जनों से और उठक बैठक डम बैठक वगैरह सभी करवाए। इससे मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई और मैं चलने फिरने लायक भी नहीं रहा था उस समय। जब से चल रहा था मैंने देखा वह ठीक हो जाएगा, कसरत है एक दो दिन दर्द करके ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मुझे पेशाब में प्रॉब्लम महसूस हुई, पेशाब कम आने लग गया। तो मैंने हॉस्पिटल सरस्वती हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने अमेरिकन में दिखाया तो वहाँ पर मुझे आराम मिलने लगा। तो आज मैं वापस नडियाद जा रहा हूँ, वहाँ पर किडनी में थोड़ा इन्फेक्शन की मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर डायलिसिस भी किया लेकिन मेरे को आराम नहीं मिला। फिर मैं सीधा यहाँ से अहमदाबाद नडियाद के लिए रवाना हो रहा हूँ। डम बैठक से मेरे उसमें मसल्स फट गए और उसका गंदा पानी जो निकला वो सब मेरी किडनी में चला गया, उससे मेरी नसों किडनी सही ढंग से काम नहीं कर पा रही। उदयपुर में आमजन से पुलिस के रवैये की शिकायतें रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिन पूर्व पुलिस के एक जवान ने पत्रकार के साथ बदसलूकी की, तो वहीं एक हेड कांस्टेबल की बेटी के साथ पुलिस कर्मी द्वारा अभद्रता करने का मामला भी सामने आया। लेकिन अभी जो आपने देखा और सुना उनका नाम मिठालाल प्रजापत है और यह किसी आवश्यक कार्य से बाहर निकले थे, तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया। यही नहीं, गुरुदयाल नाम के पुलिसकर्मी ने क्वारंटाइन सेंटर में लोगों के साथ खूब शारीरिक कसरत भी करवाई, जिसमें दौड़ लगवाना और उठक बैठक भी शामिल है। पीड़ित मिठालाल को अधिक उठक बैठक लगवाने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई और अमेरिकन हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। आरोप है कि अतिरिक्त शारीरिक कसरत करवाने की वजह से पीड़ित की किडनी डैमेज हो गई और इलाज के दौरान डायलिसिस तक करना पड़ा, लेकिन काफी दिन उपचार के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हुई तो उन्हें नडियाद के लिए रेफर किया गया है। शहर में लगातार पुलिस द्वारा की जा रही बदसलूकी से अब आम जन में भी रोष है। प्रजापत समाज के लोग भी गुरुवार को जिला कलेक्टर के समक्ष पेश हुए और गुरुदयाल नाम के पुलिस कर्मी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं पीड़ित मिठालाल के साथ किस तरह से बर्ताव किया गया और आज वे किस हालत में है। मेरा नाम मिठालाल प्रजापत है। मेरे को दिनांक 25 मई को रात को 8 बजे 3-4 पुलिस वाले आए और वो बिठा के ले गए गाड़ी में। मैंने उनका कहा चालान काट दो मेरा, अगर मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ काम करते करते हुए, तो उन्होंने कहा चालान तो नहीं काटेंगे, आपको क्वारंटाइन करेंगे। तो क्वारंटाइन सेंटर ले गए और मेरे को क्वारंटाइन कर दिया। और सुबह में गुरुदयाल नाम का कोई पुलिस वाला आया, उसने सबसे हैवी कसरत करवाई सभी जनों से और उठक बैठक डम बैठक वगैरह सभी करवाए। इससे मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई और मैं चलने फिरने लायक भी नहीं रहा था उस समय। जब से चल रहा था मैंने देखा वह ठीक हो जाएगा, कसरत है एक दो दिन दर्द करके ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मुझे पेशाब में प्रॉब्लम महसूस हुई, पेशाब कम आने लग गया। तो मैंने हॉस्पिटल सरस्वती हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने अमेरिकन में दिखाया तो वहाँ पर मुझे आराम मिलने लगा। तो आज मैं वापस नडियाद जा रहा हूँ, वहाँ पर किडनी में थोड़ा इन्फेक्शन की मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे डायलिसिस भी किया लेकिन मेरे को आराम नहीं मिला। फिर मैं सीधा यहाँ से अहमदाबाद नडियाद के लिए रवाना हो रहा हूँ। डम बैठक से मेरे उसमें मसल्स फट गए और उसका गंदा पानी जो निकला वो सब मेरी किडनी में चला गया, उससे मेरी नसों किडनी सही ढंग से काम नहीं कर पा रही। हमारे समाज के मिठालाल जी प्रजापत को क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया, वहाँ पे गुरुदयाल नाम का जो पुलिसकर्मी है वो डंडे के बल पे अपने साथियों के साथ में मिल के सवेरे उनसे सो तो उठक बैठक करवाई, दंड बैठक करवाई, 2-3 किलोमीटर उनको दौड़ाया, नहीं दौड़ने पे उनको डंडा दिखा के मारपीट करने की कोशिश की, जिससे उनके मसल्स जो है उसमें बहुत दिक्कत हुई। वो घर पे जब वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर से जब घर आए तो वहाँ हॉस्पिटल में दिखाना पड़ा, पेशाब की प्रॉब्लम हो गई और उनको अमेरिकन हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पर सारी जाँचें हुई तो मालूम पड़ा कि मसल्स फटने की वजह से उनके अंदर से जो द्रव्य निकला वो किडनी में जाकर जम गया और किडनी दोनों किडनी चोक हो गई है और उनको डायलिसिस पे लेना पड़ा। अमेरिकन हॉस्पिटल वालों ने रेफर किया और आज उनको जो लेकर नडियाद में अपने किडनी केयर हॉस्पिटल है वहाँ लेकर जा रहे हैं और ऐसी गंभीर स्थिति हुई है पुलिसकर्मियों की, ये घोर लापरवाही है। क्वारंटीन सेंटर में पुलिसकर्मी डंडे के बल पे लोगों के साथ में जाति और जुल्म कर रहे हैं। हम आज जिलाधीश महोदय को हम प्रजापत समाज की तरफ से ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसा जुल्म किसी के साथ ना हो और जो एक
मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसके ऊपर ये लाखों रुपए का खर्च है वो प्रशासन वहन करे और उनको राहत दिलाए। वहाँ क्वारंटीन सेंटर में जो चौक है उस चौक में उनको 10 चक्कर लगवाए उसी के अंदर।